अफ्रीका so like hmm. जिधर जाने की बातें कर रहे हैं वहाँ ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है उनके बाद एजुकेशन का लेवल बहुत जबरदस्त है हम ना एक अजीब सी परसेप्शन में सारी जिंदगी रहते हैं कि पाकिस्तान बड़े क्रिएटिव है हमें बड़ा शौक है अपने आप को बना के रखने का कि हम ये ऐसा हमने प्रूव नहीं किया कभी मतलब फाइनेंशियली uh, ऐसा हमने कभी प्रूव इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम इस रीजन से नहीं निकला पाकिस्तान से मूवीज़ देख लें आप म्यूजिक mm. देख लें इंजीनियरिंग देख लें साइंस देख लें ऑल ऑफ दिस सो ऑब्वियसली दैट मैप सेज अ लॉट लेकिन आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान हैव है हायर आई क्यू देन इंडियंस अच्छा अकॉर्डिंग टू दैट मैप बिकॉज साइज बड़ा है मे बी इट्स एवरेजिंग आउट

के बेस के ऊपर जो मार्केट तलाश करनी है इट्स शुड बी यस अंधों में काड़े राजे जाके बने सही चार आंखों वालों में जाके दो आंखें ना लेके जाए अपने लिए कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बजाय अफ्रीका एक्सप्लोर करें सही है मुस्लिम कंट्रीज भी हैं बहुत बेहतर लोग हैं ये गोरे तो मतलब अगर आप अब मैं जैनसीबार में वापस आता हूँ अगर आप ये जैनसीबार वॉज दिस आइलैंड विच जिसको तंजानिया का ये इनोटोनॉमिस हिस्सा है तंजानिया के पीछे आठ नौ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो लैंड लॉकड हैं ठीक है ये जो गोरे जो यूरोपियंस हैं यूरोपियंस पोर्चुगीज फ्रेंच स्पेनिश ब्रिटिश जर्मन नॉट एट दैट टाइम नो नॉट जर्मन ये बेसिकली सारे के सारे चोर थे इनका काम क्या था इनके टाउट होते थे कोलम्बस वास्को डी गामा ये टाउट होते थे बेसिकली ट्रेवल भूख पड़ गई थी ना तो दुनिया पे ना धावा ऑस्ट्रेलिया गए सारे मार के ऑस्ट्रेलिया पकड़ लिया अमेरिका गए ब्रिटिशर्स इन्होंने सारे रेड इंडियंस को मार के जलीलो ख्वार करके पूरा अमेरिका बना लिया जितने स्पेन थे ये लोग सारे जो साउथ अमेरिका है इन्होंने जाके वहाँ पे इनको एस्टेक्स उनको मार मार के साउथ अमेरिका बना दिया साउथ अमेरिका इज ऑल स्पेनिश इसी तरह अफ्रीका भी गए अफ्रीका में उस टीसोर्स को नहीं मिला उन्होंने उठा के काले बेचारे बेचना शुरू कर दिए स्लेवरी कैन यू बिलीव इट दे दे केम टू इंडिया गोल्ड एंड देड्स उन्होंने कब्जा करके वो सकआउट करना शुरू कर दिया दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया उन्होंने देखा जी फार्मिंग है कैटल है उनके ऊपर कब्जा कर लिया ये किसी के नहीं है आज भी आप देख लें बच्चे मार रहे हैं धड़ाधड़ दे हैव एन एजेंडा फलस्तीन के ऊपर भी एनी वेयर ग्लोबली दे डोंट केयर दे आर वेरी यूथलेस बड़े सफाक हैं इनका अपना एजेंडा है ये जाके इंडिया में पचपन हजार या सम थाउजेंड्स थे जिन्होंने उठा के करोड़ों की आबादी के ऊपर जो है वो किया वो कैसे किया एक अलग सा टॉपिक है बट ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया रेड अमेरिका में भी यही किया साउथ अमेरिका में भी ये, ये, ये पूरी दुनिया में द सन नेवर सेट्स इन द ग्रेट ब्रिटेन यानी वो दस हज़ार गोरा जो बर सगीर पे हुकूमत करता था पूरी बर सगीर पे दस हज़ार गोरा सम करोड़ों में करता था या नंबर आई डोंट नो क्या है? देख लीजिएगा बट सबसे पहले ब्लैक स्लेवरी की भी थी स्टार्ट पोर्चुगीज़ ने एंड दिस इज सिक्सटीन सेंचुरी फिफ्टीन सिक्सटी वन सिक्सटी टू में पहला शिप ब्लैक स्लेव्स का जो कि निलाम हुआ था यूरोप पहुंचा था उसके बाद इसमें अरब्स इन्वॉल्व थे जैनजेबार का जो आइलैंड था वो एक अरब्स ओमानी सुल्तान ने ख़रीदा था एंड ही वॉज अ ट्रेडर ऑफ ब्लैक स्लेव्स और उनकी अगर आप वहाँ तंज़ानिया में जाएँ तो ऐसी हेयर रेजिंग स्टोरीज यू कॉन्ट बिलीव तो ये कहा जाता था कि ये ब्लैक स्लेव्स आते थे और उनको मारा जाता था और जो नहीं रोता था वो सबसे महंगा बिकता था <laughs> सही है। और जो सबसे महंगा बिकता था उसके साथ एक बच्चा फ्री देते थे अब आप ये देखें कि फार्म में लोग काम कर रहे हैं गोरे घोड़े पे आए और उन्हें काले पकड़ लिए जाल डाल के जाके बेचना शुरू कर दिए ये वो कौम है ये गोरे ये किसी के आई एम टेलिंग यू दिस इज वाई आई एम आई एम टूडे हेयर स्ट्रेटिंग के यार आप बजाय इसके कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस की मार्केट एक्सप्लोर करें लुक इन टू अफ्रीकन मार्किट फॉर जॉब्स फॉर बिजनेस इट्स फार मोर इजियर टू गेट ओवर देयर एंड यू विल भी वेरी सक्सेसफुल मैंने भी काम वहाँ पर करके आया हूँ A very good amount of money we made for a very small assignment. Mm -hmm. And uh, we were appreciated, we were treated with but very polite people, Muslim culture.